हेलो, दिस कॉल इज नाउ बीइंग रिकॉर्डेड। हेलो, हेलो, नमस्कार नमस्कार, जी। और कैसे हो? कहाँ बढ़िया। कौन पे हो जी? पहचाना नहीं भाई, मैं तो इतना टाइम नहीं है ना भाई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। अच्छा अच्छा तेरी बहन चुट गई वहाँ पे? हाँ, तेरी बहन थी वहाँ पे, कहाँ पे चुट गई? फरीदाबाद के बिट्टू बजरंगी को इस नंबर से मेवातियों द्वारा धमकी दी जा रही है। नंबर है 9244584028। एक अन्य नंबर से भी धमकी दी जा रही है। सारण थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरा नंबर देखिए किस तरह से मेवाती बिट्टू बजरंगी को धमकाते हैं। भाई साहब, यार एक गोश्तरी होती है, इधर वो पकड़वाए। फरीदाबाद में गोश्तरी हो रही है फिलहाल बहुत ज्यादा। फरीदाबाद में एक मिनट रुको भैया से बात। बाटा चौक पे गाड़ी पकड़ी है भैया। बाटा चौक देखा है ना? बाटा चौक, हाँ तो बाटा चौक पे तो हूँ भैया। बोल, बाटा चौक पे कहाँ पे हमने गाड़ी पकड़ रखी है? एक बार दिखाना, वीडियो कॉल करके दिखाना। क्या फोटो भेजो एक बार, फोटो मैं टीम भेजता हूँ। बस नहीं आएगा बिट्टू? हेलो, फोटो भेजो। क्या फोटो भेजो? फोटो तुम्हारी मेवात है साले की गांड में हाथ घुसा दूंगा। अच्छा जी, अच्छा जी, हाँ हाँ, तेरी बहन बुलाएगी तो बताऊंगा। इसकी बाद की ऑडियो में लगातार गालियां हैं और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बिट्टू बजरंगी ने सारण थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। FIR नंबर है 003 अंडर सेक्शन 506-507। बिट्टू बजरंगी पहले भी आरोप लगाते आए हैं, उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, लेकिन उन्होंने इस तरह से कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक नहीं की थी, लेकिन इस बार उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर दी है और सारण थाने में मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। इसी बंदे की दूसरी रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो राम राम, अब एक बार बात तो हो गई, अब कितनी बार बात करोगे? राम राम बोल रहा हूँ, राम राम तो ले ले भाई। नहीं, एक बार बात तो हो गई, अभी तो बात हुई थी, कोई बात नहीं। राम राम भाई, राम राम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। राम राम भाई साहब, माने सर में करीबन करीबन 2 महीने हो गए तू ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन मेरे को दिख गए ना, साथ के साथ निकाल दूंगा तुम। अच्छा, माने सर में ढूंढ रहा हूँ। हाँ, एक 2 महीने से ढूंढ रहा हूँ तुमको, 2 महीने से। जिस दिन भी पागे ना, साथ के साथ तुम्हारी गांड में निकाल दूंगा। ठीक है, अच्छा चलो, ठीक है।